कहाँ जा रहा घर छोड़ के? Hey YouTube family, good morning, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिलहाल टाइम हो गया सुबह के 7:17, वीडियो अपलोड हो गया है तो लैपटॉप को कर दो बंद। दोस्तों कल आया था हमारा आस्क विद एके संडे को, कमेंट्स थोड़े कम पड़ गए, इस चक्कर में थोड़ा सा वीडियो छोटा आया। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो बनाने का। वीडियो बड़ा है तभी होगा जब आप लोग कमेंट करोगे, आप तो कमेंट किया करो। दोस्तों आज मैं सुबह ना 4 बजे उठा और सच बता रहा हूँ लिटरली मुझे उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उठ गया, क्या करे, आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना होता ना। ये दो घरों को चीरता हुआ देख, बीच में सूरज की किरणें कितनी मस्त निकल रही है। सुबह सुबह का मम्मी का काम पोछा लगाने का, ठंड हो चाहे गर्मी हो, आज थोड़ी ठंड ज्यादा है इसलिए मैंने हुडी डाल लिया। पवन की एग्जाम है मगर अभी तक ये ब्रश ही कर रहा, वो भी इतने गंदे तरीके से ब्रश कर रहा, कौन करता है ऐसे ब्रश? हमारी कॉलोनी में तो रोड फोड़ा फोड़ी चलता ही रहता, कभी कुछ कभी कुछ। अब थोड़ी सी सुबह सुबह की एक्सरसाइज कर ली जाए, किक मार के। कल बिल्कुल भी नहीं चली है गाड़ी, इसका मतलब आज कम से कम आधा घंटा लगी चलने में। A few moments later. ब्रश किक हो गया, चालू नहीं हुआ। आज जाना दाल बाउल के लिए ऐसे ब्रश कर रहा हूँ और वो देखो पीछे ब्रश करके बैठ चुका हो। तो दाल गर्म है क्या? क्या अभी डाला ही है? चलो जीजा बाय बाय। इधर उधर के काम में भूल गया, मेरे को बैंक जाके नोट चेंज करवा के आना, फटाफट नहाता हूँ, बैंक जाता हूँ, फिर उधर से बच्चों को भी लेकर आना क्योंकि उनका आज हाफ डे ना। 11:08 हो गया भाई, फटाफट नहा के भागता हूँ क्योंकि मुझे बैंक जाना है, फिर 11:30 बजे बच्चों को ले जाना है। चलता हूँ इस बैंक में जाके नोट चेंज करा देता हूँ फटाफट वाला। गाड़ी पे देखो कॉलर कैसा हो गया मेरा। एक्चुअली क्या है ना, कॉलर क्या मेरी हालत खराब हो जाती है जब इतना जम जुमा के, और ऐसे मैं टैक्सी की तरह गाड़ी लेके आता हूँ ना। स्कूटी ऐसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बुलेट पे तो मुझे पूरा टंकी पे बैठना पड़ता है, और बुलेट पे मैं कभी ऐसे ब्लॉग भी नहीं बना सकता। 1-handed ब्लॉग देखो, एक हाथ छोड़ रखा है, एक हाथ से ब्लॉग बना रहा हूँ। अब ऐसे मत बोलना यार कि पीछे से गाड़ी आ रही है तो आपको थोड़ा देख के चलाना चाहिए, आपको ब्लॉग के चक्कर में भूलो मत। वैसे हमारा मेन रोड नहीं, एकदम ऑफ रोड है, इसमें मुश्किल से एक दो गाड़ी चलती है। एक बज के 36 मिनट हो गया, सुबह से खाना नहीं खाया, हाँ बस दाल बाउल खाया, वही खा रखा है। निकिता जा खाने ले गया, खाने में दाल चावल भुजिया अचार लिया नीचे से। A few moments later. खाना खा लिया भाई, खाना बहुत ज्यादा तीखा था। एक्चुअली क्या ना, मैंने दाल नहीं खाया, मैंने रात वाले जो अंडे बचे हुए थे ना वही खाए। तीखेपन को मिटाने के लिए भाई टॉफी खाई जाए। क्या कर रहा है? किसका पेपर है? कैसा गया पेपर? बन अच्छा ही गया, एक आध क्वेश्चन छूटे थोड़ी ना। गाइस ये प्री बोर्ड का पेपर है इसका, और इसमें ये क्वेश्चन छोड़ के आया। कैसे छूट गया क्वेश्चन? टाइम बहुत कम था। कितने घंटे टाइम मिलता है? सही तो मिलता है टाइम यार, 2.5 घंटे का, 3 घंटे बाद देते और 5 मिनट पहले दे देते हैं। तो टीचर को कंप्लेंट डाल दे? नहीं, बहुत सारे बच्चों को देना होता है ना। तो पवन आज 2 दिन बाद नहा रहा है, पवन कल तूने नहाया जाना, अब गर्मी आ गई है, अच्छे से ना टाइम लेके रगड़ रगड़ के नहा और थोड़ा सा ये मेल वेल जो जमा है इधर उधर सब हटा दे। तूने नहा लिया रे? सुबह नहा गया होगा स्कूल, तू तेरे से छोटा है वो उम्र में, लेकिन तेरे से अच्छे अच्छे काम करता है। इसमें हाथ क्यों डाल रहा है पानी में? इससे लोग ब्रश ब्रश करते ना। ब्रश चल गया इसमें ब्रश। तू बड़ा हो गया, तू कोई लायक तो बनाकर बड़ा हो गया यार, ऐसा नहीं सुनेगा मम्मी इसको ना, पीट इसको बढ़िया से इसको, और वो छोड़ दे गया तो गया, और क्या तू उसमें हाथ भी डाल रहा बार बार? इसके ऊपर तो कोई वायलेंट का स्ट्राइक डाल देगा। कोई वायलेंस नहीं, देखो गाइस मैं बिल्कुल भी वायलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू में ना मैं बता दूंगा कि ये सिर्फ एक सजा है। पवन पिटने के बाद चुपचाप नीचे चला गया, लगता मैंने ज्यादा ही आज इसको फोड़ दिया है, उस रात नाराज होकर नीचे चला गया। गुस्सा हो गया पवन, घर छोड़ के जा रहा, जा घर छोड़ के। कहाँ जा रहा घर छोड़ के? नहीं नहीं कहीं अलाउ नहीं, बाहर देख बाहर कितनी धूप है, बाहर नहीं जा सकता तू। आज हम लोग जा रहे हैं भाई क्रिकेट खेलने के लिए खेत में, क्योंकि छत पे ना खुल के शॉट नहीं मार पाते हैं। तो पवन की हाँ यहाँ पे आधा घंटा खेल लिया, बाहर की गाड़ी नहीं है। देखो खेत में खेलने की दिक्कत होता क्या होती है, वहाँ पे विकेट का इंतजाम करो, फिर इधर उधर शॉट मार देना तो बहुत थकना पड़ता है, मगर थकने के साथ साथ इंजॉयमेंट भी ज्यादा ही आएगा। आज बीच में आते देखो इन लोगों को मजा आने लग गया, मगर धूप सताने लग गई। खेत में आते देखो विकेट के जुगाड़ में लग गए हम लोग, विकेट खोज रहे, एक विकेट तो मिल गया, कांटा मत चुपालना, एक उधर मिल गया। अरे वो ये विकेट है रे, ये विकेट है, मिल गया क्या विकेट? मैं तो इधर आ गया था इतना दूर ढूंढने के लिए, किधर मिल ही नहीं रहा। विकेट लग गया है, और ये देखो ये लोग अब इल्ला दुल्ला बटेंगे, तो थोड़ा नियम मस्त वाला होगा यहाँ पे। उधर जा उधर, अरे निकल
एज यूजुअल मेरी बेटिंग आ गई है, मैं इधर हूँ भाई, क्योंकि हमने वैसे बटाई की थी उसमें मैं हिला यार। बीच बीच में देखो कितने सारे मच्छर उड़ने लग गए, पूरा मैच बंद करवा दिया इसने यार हमारा। मिली क्या पवन गेंद? ये मच्छर के चक्कर में देखना आंख नाक में चले मच्छर, ध्यान देना। 3:30 बजे आए थे, 5:48 बजे जा रहे हैं, यानी खूब देर खेल लिया आज तो। हाथ पैर की हालत एकदम गंदी हो गई है, पैरों की हालत देखो। पवन कैसा लग रहा है? बहुत मजा। लास्ट में मच्छर ने बहुत परेशान कर दिया यार। खेल के आया, थक गया, हालत खराब है, लेकिन अभी मुझे मार्केट जाना है, भूल गया था मुझे मार्केट सामान लेकर आना, सब्जी वगैरह। टाइम हो गया 6:19। मैं बन गया हमारे घरेलू डॉक्टर। ये लद्दाख वाला सामान देखो अब काम आएगा, इसके चोट लग गई, इसके दिखाना पैर में कहां चोट लग गई है, ये देखो। हाँ, इलाज करूँ क्या, ऑपरेशन करूँ, टाँके वाके लगा दो। दिन करते करते रात होगी निकलते निकलते, क्योंकि ये तैयार होने बैठ गया था। ये देखो ये तैयार हो गया, ऐसा लग रहा है। सब्जी खरीदारी करते करते बहुत रात हो गई, 7:06 हो गया। फिलहाल घर चलता हूँ क्योंकि बहुत महंगा सब्जी पड़ गया। वैसे तो सारे काम खत्म हो गए, लेकिन बच्चों के लिए पानी पूरी लेना है। फोन आया अभी, बच्चों के लिए पतासी लेता हूँ, मगर यहाँ पे तो वो पतासी वाले भैया ही नहीं है, तो कहीं और देखते हैं। खाना तो आ गया, लेकिन टीम मेंबर्स अभी तक नहीं आए। खाने में क्या बना हुआ भाई? मिक्स वेज है, बैंगन बैंगन का सब मिक्स करके। गाइस जब से ये मौसम चेंज हो रहा है ना, हवा अलग वाली चल रही है, तो पूरा ये स्किन खींच रहा है। पता नहीं सही, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर सबके साथ होता है। वैसे लोग दुनिया की सारी ट्रेजेडी, चेहरा खराब होना सब मेरे साथ ही होता ज्यादातर। तो 8:32 का खाना कंप्लीट हो गया। पवन पीछे लाइटिंग करा रहा ताकि अच्छे से अच्छा कैमरा व्यू आए, क्लियरिटी मस्त वाली आए, और आप लोगों तक जो वीडियो पहुंचे वो एकदम साफ नीट एंड क्लीन पहुंचे। पवन अपने आप को आईने में देख के मॉडल जैसा फील कर रहा है। पवन लग रहा है थोड़ा और की मॉडलिंग की दुनिया में जा सकता है तू। फिलहाल तो थकान हो गई है बहुत भयंकर वाली, और सोना भी पड़ेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, दोस्तों चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, एक मिनट कमेंट जरूर करना, क्योंकि फिर संडे हम आपके लेके आएंगे आस्क विद AK पार्ट 3। तो कमेंट कर देना। फिर अगले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।